हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 फरवरी दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्फ आजकल भारत दौरे पर हैं और पीएम मोदी और इन्होंने बातचीत की। मुलाकात के दौरान कहा कि आतंक से मिलकर लड़ेंगे दोनों देश। रूस यूक्रेन युद्ध को भी समाप्त करने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के जरिए इसको समाप्त करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने आफ्टर बजट वेबिनार में कहा कि शिक्षा और कौशल अमृतकाल के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। पीएम बोले, डेटाबेस बनाकर अपग्रेड करें युवाओं के स्किल्स। इतना ही नहीं दोस्तों, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने 3 महीने में तीसरी बार ढोल बजाया। दिल्ली के कन्नड़ प्रोग्राम में ये कर्नाटक की संस्कृति को ढोल बजाकर सेलिब्रेट किया उन्होंने। वैसे आपको बता दूं, कल सोमवार को पीएम मोदी कर्नाटक रांची का दौरा भी करेंगे और वहां शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली में कन्नड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पीएम बोले कि कर्नाटक के बिना भारत को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, कल 27 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के जरिए। ये पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जाएगा, है ना। है ना, तो यूं कुछ सिलसिला रहा पीएम के कार्यक्रम का। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। दरअसल आपको बताऊंगा, आजकल जब भी कई अलग अलग राज्यों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तो इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार, पेपर इंटरनेट से नहीं बल्कि अलमारियों से लीक होते हैं। पिछले 2 साल में लगभग हर एग्जाम से पहले डिजिटल इमरजेंसी लगाएगी, इंटरनेट पाबंदियां भी लगाएगी, फिर भी माफिया तक पेपर पहुंच रहे हैं। दरअसल कल ही राजस्थान राज्य में रीट का एग्जाम था और उस दौरान भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया, तो इसी को लेकर एक्सपर्ट की सरकार से ये राय है। हालांकि दोस्तों, पेपर लीक की आए दिन घटनाओं को देखते हुए कई अलग अलग राज्य सरकारों ने इस पर सख्त कानून भी बना दिए हैं। और देखिए, अब तो गुजरात सरकार का भी कहना है कि गुजरात में परीक्षा विधेयक पारित हो चुका है। राज्य में अब अगर पेपर लीक हुआ तो 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को पारित कर दिया गया है। आना, अच्छा अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी। इनके आवेदन के लिए सरकार ने अलग से श्रेणी भी बना दी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक अलग से कैटेगरी श्रेणी बना दी है गवर्नमेंट जॉब्स में। जहाँ इतने दिन सिर्फ महिला पुरुष का ऑप्शन था, अब आपको थर्ड ऑप्शन और देखने को मिलेगा इनके लिए भी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। ये वाकई में दोस्तों एमपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के 2 शहरों के भी नाम बदले गए। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदल दिए हैं। इन्हें अब नए नामों से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में बताया कि औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर के रूप में जाना जाएगा और उस्मानाबाद को अब धारा शिव कहा जाएगा, है ना। तो ये 2 बड़े नाम परिवर्तन कर दिए हैं। महाराष्ट्र के दोनों जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। और दोस्तों, ये 2 नाम बदलने को लेकर मंजूरी मिलने के बाद अब कई लोगों की ये भी मांग है कि अहमदनगर का भी नाम बदला जाए और अहिल्याबाई रखा जाए। ये मांग की है बीजेपी विधायक गोपी चंद पडलकर की तरफ से। अच्छा, हमारे देखिए बड़ी खबर। अडानी और हिंडनबर्ग विवाद मामले के बाद LIC को बड़ा नुकसान हुआ। ऑल टाइम लो के करीब पहुंच चुका LIC का शेयर। अडानी के शेयर्स में गिरावट से LIC को लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बड़ी खबर है दोस्तों, इस साल गर्मी में भी झेलनी पड़ सकती है आपको बिजली कटौती, क्योंकि फरवरी में कई जगह पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है और अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर की डिमांड। इस साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, इसलिए गर्मियों में आपको बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक IMF के प्रमुखों से मुलाकात की और एक अहम मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। और वो मुद्दा रहा दोस्तों डेट रिस्ट्रक्चरिंग की चुनौतियों और डेट रिस्क के मुद्दों पर चर्चा हुई, है ना। वैसे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही दोस्तों, तो आपको बताओ अजय बंगा जो हमारे भारतीय मूल के हैं उनको वर्ल्ड बैंक की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। NPS योजना से निकासी का एक नियम बदलने जा रहा। 1 अप्रैल से विड्रॉल के लिए अब ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। दरअसल दोस्तों, NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना जो है ना, इसमें निवेश करने वालों के लिए ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, PFRDA की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि सब्सक्राइबर्स के हित में एनुटी के समय पर भुगतान के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी आप देख सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे इसके बारे में भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ये 1 अप्रैल 2023 से ही NPS योजना के लिए नया नियम लागू होगा। बड़ी खबर देखिए, इंटरनेट पर एक रिसर्च सामने आ रही है कि इंटरनेट यूजर्स घटे हैं लेकिन ब्रॉडबैंड के यूजर्स बढ़ रहे हैं। स्लो स्पीड के इंटरनेट और सिग्नल से लोगों को परेशानी है। 77% लोगों ने अपने नंबर को पोर्ट कराया दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको उनकी पूरी इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। तेजस को पहली बार सैन्य अभ्यास के लिए भेजा गया। पहली बार देश के बाहर जाएगा हमारे भारत में बना तेजस लड़ाकू विमान।
10 देशों की फोर्स में शामिल होगा ये विमान, जहां ये अपना कर्तव्य और जलवा दिखाएगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात UAE में युद्धाभ्यास करेगी IAF इंडियन एयरफोर्स भी, और इस दौरान भारत में बने तेजस विमानों की ताकत दुनिया देखेगी। इस युद्धाभ्यास में और कौन कौन से देश शामिल होने जा रहे हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारी भारतीय वायुसेना भी शामिल होने जा रही है। 27 फरवरी से शुरू होगा ये युद्धाभ्यास जो 17 मार्च तक चलेगा। वैसे इंडियन आर्मी की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी ने भी चीन को सीधा जवाब दिया है। इंडियन नेवी की पनडुब्बी पहली बार इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। खतरनाक हथियारों से लैस सिंधु केसरी ने साउथ चाइना सी को पार कर लिया, और ये पहली बार है जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और एशियन देशों के विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी जकार्ता तक पहुंची। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। पेशेवरों के लिए पिछले 3 महीने बहुत ही रोमांचक रहे हैं। केवल 90 दिनों में 20 लाख से ज्यादा इंटरव्यू के साथ मध्य प्रदेश दोबारा काम पे लौटा, और ये सब मुमकिन हो पाया है अपना जॉब की वजह से। आपको बता दूं, अपना जॉब की प्लेसमेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बिना किसी फीस के नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप अपनी शिक्षा के अनुसार 20 से 40 हजार रुपए तक की सैलरी की जॉब आसानी से पा सकते हैं। यदि आपके मन में किसी कंपनी को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप सीधा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना जॉब पर आपको हर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जॉब का विशेष लिंक दिया है, जिसे यूज करके आप अपनी मनपसंद कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोटक महिंद्रा जैसे कंपनीज में 2 से 4 लाख रुपए तक का एनुअल पैकेज भी पा सकते हैं। ये कंपनी 100% फ्री लैपटॉप, कैब फैसिलिटी वगैरह और भी कई तरह के अलाउंसेस देती है। दोस्तों हमने आपके लिए एक स्पेशल डायरेक्ट जॉब लिंक बनाया है, जो आपको पेन इंडिया 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स का डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंश्योरेंस, PF, ESI वगैरह सब सुविधा मिलेगी। हमारा स्पेशल लिंक यूज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में लिंक पे क्लिक करें, और इस अपना जॉब ऐप को हमारे स्पेशल लिंक से डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार समेत 5 राज्य के यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म सीट। होली को लेकर रेलवे ने कई सारे अलग इंतजाम किए और कई एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की। अगला अपडेट आ रहा है, CBSE की तरफ से लॉन्च किया रीडिंग ऐप, टेक्स्ट से लेकर वीडियो फॉर्मेट में पढ़ सकेंगे किताबें, और इसमें आपको अलग अलग क्लास वाइज बुक्स के लेवल देखने को मिलेंगे। इससे CBSE के रीडिंग ऐप पर क्लास नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। है ना कमाल का ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर के CBSE रीडिंग ऐप सर्च करोगे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका देश एक बार फिर से आर्थिक संकट में आ गया, गहरे आर्थिक संकट में हो गई। पिछले 1 साल में 45% गिरा श्रीलंकाई रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार में $500 मिलियन की कमी आई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भी पीएम मोदी की जय जय गूंज रही है, खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के नागरिक। आजकल आपने कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान की जनता पीएम मोदी को मांग रही है। उनका कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अगर नरेंद्र मोदी होते तो कम से कम आज हमारे बच्चे भूखे तो ना मरते। और ऐसे में क्या पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाएंगे पीएम मोदी, क्या पाकिस्तान की मदद करेंगे देश के प्रधानमंत्री? इसको लेकर पूर्व रॉ प्रमुख ने अनुमान जताया है कि वो मदद कर सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि पहले भारतीय लोगों की इच्छा क्या है इस बात को जानेंगे वो, और उसके बाद ही मदद का कोई फैसला लेंगे। तो ऐसे में आपकी इच्छा क्या है, क्या भारत को इस वक्त पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, ये सब कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और दोस्तों मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन बताऊं, भारत सरकार को पहले पाकिस्तान सरकार के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट टर्म शीट साइन करने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान भविष्य में जाकर इस तरह की घिनौनी हरकतें ना करे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, ऑस्कर से पहले RRR फिल्म को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 कैटेगरी में इस फिल्म ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता है। राजामौली ने इंडियन फिल्म मेकर्स को डेडिकेट किया इस सम्मान को, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दोस्तों फिल्मों की बात हो रही है तो बॉलीवुड से एक और खबर देखिए कि फिल्म सेल्फी की बॉक्स ऑफिस पर पूरी खराब शुरुआत देखने को मिली। थिएटर्स में ये फिल्म नहीं चल पा रही है क्योंकि ऑडियंस भी नहीं पहुंच रहे हैं, यहां तक कि मात्र ओपनिंग डे पर भी 3 करोड़ रुपए से कम रहा कलेक्शन। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों कि साल 2030 तक रोबोट करेंगे घरों के 40% काम। AI एक्सपर्ट बोले कि दुकानों में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इससे हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में स्कूल ड्रेस में देनी होगी परीक्षाएं, न पहनने पर एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रहेगा 27 फरवरी से हरियाणा के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बड़ी खबर है, इसरो को गगनयान प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट क्रू मॉड्यूल मिला। पहला स्वदेशी मॉड्यूल VSSC की तरफ से डेवलप किया गया, कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस मॉड्यूल को, और ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बड़ी कामयाबी की शुरुआत है वाकई में। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, आज CBSE के दफ्तर पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, एक बार फिर से आज उनसे पूछताछ होगी। है ना, और वही देखिए दोस्तों, महीने भर में ही गौतम अडानी का हिला साम्राज्य। गौतम अडानी अब दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 30 से भी बाहर हो चुके हैं और 33वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से कि साल 2024 में सोनिया गांधी राजनीति का अंत कर सकती हैं और रिटायरमेंट ले सकती हैं। दरअसल उन्होंने इस बात को लेकर इशारा किया है। दरअसल सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ रायपुर के एक पार्टी अधिवेशन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है।
यानी वो परमानेंट रिटायरमेंट ले सकती है पॉलिटिक्स से। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। आज से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी RGHS और चिरंजीवी योजना के तहत हो सकेगा इलाज। इस बात को लेकर काफी समय से हॉस्पिटल संचालकों ने आंदोलन कर रखा था। राजस्थान में जो हाल ही में सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल निकाला, इसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का चल रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया, क्योंकि ये निर्णय बन चुका है। आज से प्राइवेट हॉस्पिटल में RGHS और चिरंजीवी योजना के तहत OPD और IPD में मरीजों का इलाज हो सकेगा, है ना। हालांकि इसमें डॉक्टर्स और सरकार, राजस्थान सरकार के बीच कुछ चर्चा हुई प्राइस वगैरह को लेकर, है ना। अच्छा वैसे राजस्थान की बात हो रही तो आपको बताऊंगा, कल राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ था और इस टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर के भी लीक होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि फिर पता चला कि वो जो लीक हुआ पेपर वायरल हुआ वो पेपर ही फर्जी था। देखिए आप 40 लाख रुपए तक में भी बिका रीट मेंस का फर्जी पेपर। जोधपुर में 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 10-10 लाख में डील की थी। इंटरनेट सर्विस वापस शुरू हुई एग्जाम समाप्त होने के बाद। लेकिन राजस्थान में पेपर लीक को लेकर RSMSSD के अध्यक्ष ने खुद सामने आकर के कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं बेवजह अफवाह फैला रहे हैं, नेटबंदी लगाना प्रशासन का निर्णय रहा। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू होने जा रही है। सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जिन लोगों की इनकम है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। अगले महीने 5 तारीख से ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी। वैसे MP की बात हो रही तो कल ही आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के सीधी में चूरहट रीवा नेशनल हाईवे पार्क पर कल रात के समय हुए एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली जाती है। ये सभी बसों वाले राजनीति के एक जनसभा से शामिल होकर लौट रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह भी शामिल थे। तो इस मामले में लगभग 14 लोगों की जान गई। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी और PM मोदी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10-10 लाख रुपए मृतकों को मुआवजे देने की घोषणा की है। घायलों को 2-2 लाख रुपए और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, हरियाणा राज्य करेगा AIF स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की मेजबानी और इस प्रतियोगिता में देश भर के 2500 खिलाड़ी शामिल होंगे। राज्य पशु काला हिरण मेस्कट CM ने किया लॉन्च। तो ये 26वीं वन खेल कूद प्रतियोगिता का मेस्कट लॉन्च हो चुका है, तस्वीरें कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनवा रहा पोर्टल और इसके बाद HSSC की भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बार बार आपको हर वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आगामी भर्तियों के लिए भी इसी के जरिए आवेदन होंगे, है ना। वैसे देखिए हरियाणा में स्टेट सेक्टर कन्फेडरेशन का फैसला है कि 4 मंजिला फ्लैट निर्माण पर रोक लगा दी गई है। एक समान पानी रेट पर विधायकों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। फिलहाल हरियाणा के कई सेक्टरों में 4 मंजिला फ्लैट के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। अच्छा वही बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश का आइडिया पसंद आया। छत्तीसगढ़ के जैसे ही अब देश के दूसरे किसान को भी कांग्रेस पार्टी 10-10 हजार रुपए देगी और राजस्थान जैसी मेडिकल स्कीम भी शुरू करेगी। दरअसल आजकल छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा है और इसमें कांग्रेस नेता इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग स्कीमों को चलाने की घोषणा भी कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, बिहार में सियासत का सुपर सेक्टर डे है। गृह मंत्री अमित शाह बोले वाल्मीकि नगर से, उन्होंने सवाल किया कि 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया से महागठबंधन ने क्या जवाब दिया। अच्छा वह देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बनी महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता के वेश में आकर शहर में दंडी यात्रा निकाली इन महिलाओं ने, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यकर्त्रियों की कुछ मांगे हैं, इसी को लेकर महिलाएं ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विरोध कर रही हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, दिल्ली और जयपुर के बीच हवा से बातें करेगी ट्रेन। एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, 200 किलोमीटर की स्पीड होगी और टाइम भी कम लगेगा। मात्र 2 घंटे में राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी कवर हो जाएगी। वैसे दोस्तों दिल्ली से जयपुर के लिए सुपर लग्जरी बस सेवा भी शुरू होने जा रही है, साथ ही मुंबई लखनऊ कोटा के लिए भी सर्विस शुरू होगी। राजस्थान रोडवेज में 9 सुपर लग्जरी बसों को शामिल कर रही है राजस्थान सरकार और उनमें से कुछ बसें इस रूट पर भी चलाई जाएगी, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के किसान भाई लोगों के लोन को लेकर एक डेटा आ रहा है कि किसानों पर 10,400 करोड़ रुपए का कर्ज है। हरियाणा राज्य की विधानसभा में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 5 साल में लोन से परेशान 23 किसान भाई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। मतलब देखिए वाकई में किसानों की स्थितियाँ अभी भी कितनी दयनीय है, सरकार को इस पर काफी काम करने की जरूरत है, राइट। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पंजाब सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। कंपनियां चुन सकेंगी अफसरों की टीम, प्रोजेक्ट लगाने को दिलाएगी सभी की मंजूरी। गंगा एक्रोवल्स 2700 करोड़, थिंक गैस 1000 करोड़ का निवेश करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पत्रेवाला में 578 करोड़ की लागत वाले वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और लोगों को पानी की संबंधित समस्याओं का निजात मिलेगा। CM भगवंत मान ने फाजिलका में नीम का पत्थर भी रखा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर लगभग 4.5 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। 1 अप्रैल को नहरी पानी छोड़ने की घोषणा की है भगवंत मान ने। वही बड़ी खबर आ रही, झारखंड में रविवार से काम पर लौटेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इनकी बातचीत हो चुकी है। मौखिक निर्देश के बाद काम पर लौटने की सहमति बनी। बाकी इतने दिन ये हेल्थ वर्कर विरोध कर रहे थे, हड़ताल पर थे ये भी, लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से इनकी बातचीत हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं, झारखंड में बंद हुए स्कूल भी फिर खुलेंगे। शिक्षा परियोजना ने
जिलों के उपायुक्त को भेजी चिट्ठी, एक महीने में समीक्षा पर रिपोर्ट भी मांगी। बड़ी खबर है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यूट्यूबर नहीं बना सकेंगे रील और वीडियोस। इस बार ये नया नियम लागू कर दिया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर ये डालने वाले अब मतलब रील्स वगैरह नहीं बना पाएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में। पुजारियों के दक्षिणा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार की मंदिर समिति की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अच्छा बड़ी खबर है डॉलर का राज खत्म होगा, दुनिया भर में दिखेगी भारतीय रुपये की ताकत। मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर डूम की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है। यूएसडी वर्सेस INR को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं ये भविष्यवाणी करने वाले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं नूरिल रूबिनी, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। ये वाकई में इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। बड़ी खबर देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का ग्लास तक भी नहीं हिला, इस तरह से स्मूथली चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और ये कारनामा देख दुनिया के कई देशों की सरकारें चौंक गई। दुनिया भर के 18 मुल्कों में आज भारत की वंदे भारत ट्रेन की चर्चा हो रही है। ये बात की जानकारी खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 26 से 28 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। 28 फरवरी को पंजाब हरियाणा और असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। सराफा बाजार पर नजर डालें तो आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है। सोना फिसल कर 56,000 के नीचे आया और चांदी में भी 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ये देख सकते हैं आप 20 तारीख को क्या रेट थे और 25 तारीख को क्या रेट है सोने और चांदी के। इस सप्ताह की चाल कैसी रही। अच्छा कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 180 नए मामले आए, जबकि 106 लोग ठीक भी हुए। हालांकि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन कोरोना के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए। और तो और दोस्तों अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या भी जो पहले 1700 तक पहुंच चुकी थी वो अभी 2090 हो गई है बढ़कर वापस, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी, 17 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू, उम्मीदवारों के लिए 20 मई को एग्जाम होगा। कई राज्यों में अभी अग्निवीर पदों की भर्ती चल रही है। हरियाणा के भी 6 जिलों में अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है। 250 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, फिजिकल एग्जाम से पहले 17 को ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की होगी जाँच, हर केंद्र पर जेमर लगाए जाएंगे ताकि पेपर आउट होने की संभावना ना हो। अच्छा भाई राजस्थान में ICT एग्जाम की डेट बदल चुकी है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य पात्रता परीक्षा की तारीख अब 26 मार्च को होगी, पहले ये पेपर एग्जाम 19 मार्च को होना था। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी में एक नया नियम लागू होने जा रहा, अब निःशुल्क नहीं हो पाएगा बिजली खंभों का इस्तेमाल। दूर संचार व केबल ऑपरेटरों को देना होगा शुल्क, मतलब जो ये कई सारे इंटरनेट फाइबर वगैरह के तार जो ऊपर से ले जाते हैं बिजली के खंभों से होते हुए, इसके लिए अब बिजली विभाग को चार्ज देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा जो दूर संचार और केबल ऑपरेटर है ना उनको। शुल्क के रूप में मिलने वाली राशि कितनी देनी होगी और कितना चार्ज लगेगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए पंजाब में निजी वाहनों से भी कर सकेंगे कार पूल, एग्रीगेटर कंपनी से होना होगा कनेक्ट, चंडीगढ़ से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों दूर बैठे लवर एक दूसरे को कर सकेंगे रियल किस, चाइना की तरफ से हैरान कर देने वाली इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जियांग जोंगली का कहना है कि हूबहू रियल किस जैसा फील आएगा, एहसास होगा। ये दूर रहने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए बनाई गई उनका एक मानना है। अच्छा बड़ी खबर देखिए राजस्थान में अब खाटू श्याम जाना आसान होगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक स्पेशल रेलगाड़ी चालू कर दी गई है खाटू श्याम जी के लिए। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस स्थित खाटू श्याम मंदिर में इस बार भी 40 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बड़ी खबर आ रही है देश के करोड़ों गरीब श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर देखिए, अस्पताल में इलाज को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के हॉस्पिटल और बिस्तरों की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों की संख्या को बढ़ाकर 241 किया जाएगा जल्द ही। वही देखिए अक्टूबर दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर घटकर 7.2% रही, महिलाओं के कैटेगरी में भी गिरावट आई है। बेरोजगारी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि शहरी बेरोजगारी दर घटकर 7.2% हुई, पुरुषों और महिलाओं के बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है, तो ये थोड़ी राहत की बात है ना। अच्छा मैं देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों को दिया भरोसा, जन औषधि जैसी योजना को लागू करने में भारत मदद करेगा दुनिया के दूसरे देशों की। वही देखिए बड़ी खबर भारत ने IMF और FSB से क्रिप्टो के नियमन पर टेक्निकल पेपर तैयार करने को कहा, IMF के MD ने जवाब भी दिया। अच्छा उत्तराखंड राज्य में देखिए एक नया नियम, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे भोजन माताएं, रिटायरमेंट पर उनको सम्मान राशि भी मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30,000 की धनराशि दी जाती है, और ऐसे में अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं को भी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी की जा रही है। ये राशि 10 से 25,000 रुपए के रूप में दी जाएगी, है ना। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगी कश्मीर की
झलक पर्यटकों के लिए शुरू होगी हाउस बोट। अच्छा मैं देखे दोस्तों, मध्य प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी सरकार ने ट्रांसजेंडर को कानून व्यवस्था संभालने की इजाजत दी है। सरकार ने थर्ड जेंडर की नियुक्ति के लिए बड़ा कदम भी उठाया है। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, निसान ने अपग्रेड की अपनी पॉपुलर एसयूवी। मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे हिल स्टार्ट असिस्टेंट। मैं देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में मार्च से नहीं चलेगी रैपिड रेल। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ डीले चल रहा और अब जून से संचालन शुरू होने के आसार है। साइबर क्राइम पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, पिछले दो साल में 200% तक बढ़े हैं साइबर क्राइम के मामले। हालांकि अभी भी हमारे देश में सिर्फ 202 ही साइबर थाने हैं, जो कि बड़ी दयनीय स्थिति है। इनको और बढ़ाना होगा अगर साइबर क्राइम पर कंट्रोल करना है तो। और अंतिम अपडेट है कि 1 मार्च से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपके जेब पर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको नए नियम एक एक करके तो सारे नहीं बताने वाला हूँ, इसके बजाय मैं आपको